हेलो पीपल, गुड मॉर्निंग. और मैं अभी हूँ कजाकिस्तान में. आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सच अ वंडरफुल व्यू फ्रॉम माय अपार्टमेंट जहाँ पे मैं ठहरा हुआ हूँ. और अगले 5 दिनों तक ये जो अपार्टमेंट है ये हमारा घर रहेगा. मैं अपने एक फ्रेंड के साथ यहाँ पे आया हूँ एंड टू डू अ बिट ऑफ ट्रैवल फोटोग्राफी. इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी छोटी ट्रिप है, 6-7 दिन की ये ट्रिप है. अभी इस वक्त मैं अस्ताना में हूँ जो कि कजाकिस्तान का कैपिटल है, जिसका नाम अभी रिसेंटली मार्च में बदल के नूर-ए-सुल्तान रख दिया गया है यहाँ के प्रेसिडेंट के नाम पे. एंड काफ़ी एक्साइटिंग है. रात में यहाँ चेक इन किया और अभी हम बाहर निकल रहे हैं थोड़ी सी रेकी करने कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे गोल्डन आवर में शाम के समय या अर्ली मॉर्निंग शूट की जा सकती हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी कोई ट्रैवल फोटोग्राफी असाइनमेंट पे बाहर निकलें आप, तो एक जगह की बैड लाइटिंग कंडीशंस में, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं, तो लाइट इज़ नॉट वेरी गुड, काफ़ी हार्श है, बाहर धूप है. सो इस मौके को रूम में ना बैठ के वेस्ट करते हुए थोड़ा बाहर निकलिए, रेकी करिए कि क्या क्या मॉन्यूमेंट्स, क्या क्या लोकेशंस आप शूट कर सकते हैं, और फिर प्रॉब्ली उन लोकेशंस को शाम को दोबारा से अच्छी लाइटिंग कंडीशंस में शूट करना ज़्यादा वाइबल या ज़्यादा फ्रूटफुल होगा आपके लिए. एंड अभी हम वही करने वाले हैं, हम बाहर निकलेंगे, कुछ राशन पानी खरीदना है हमको जो कि हमारे पास अभी नहीं है 5 दिन बिताने के लिए. सो वील बाय सम स्टफ टू ईट एंड आई क्विकली टेक आपको लोगों को एक टूर करा देता हूँ अपार्टमेंट का. ये बेडरूम है, ये मेरा रूम एंड माई फ्रेंड आर्ची. So, this is the living room. You can see the kitchen. उसके बाद living room से जो view मिलता है, that is pretty brilliant. और जहां हम ठहरे हुए हैं, this is the center of Astana या Nur-e-Sultan बोलना चाहिए ideally. और काफी अच्छी tourist location है basically ये. और यहाँ से भी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग व्यू देखने को मिलेगा बेडरूम से. आप देख सकते हैं नीचे, आई डोंट नो, गोप्रो के वाइड एंगल में पीछे एक बहुत सुंदर मॉस्क है, नाम नहीं पता मुझे. मैं अभी जा रहा हूँ वहाँ पे, आई विल एक्सप्लोर दैट एरिया ऑल्सो. वहाँ पे भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है. मुझे अभी इन सब के नाम पता करने हैं कि क्या क्या लैंडमार्क्स यहाँ पे जिनको आप फोटोग्राफ कर सकते हैं. बेसिकली अगर आप अस्ताना की बात करें, अस्ताना हैज़ मोर ऑफ यू कैन से आर्किटेक्चर, गुड फॉर आर्किटेक्चर फोटोग्राफी, क्योंकि काफ़ी यूनिक आर्किटेक्चर है, मिक्स ऑफ रशियन, क्योंकि ये सबसे यंग कैपिटल सिटी है वर्ल्ड का. मेरे ख्याल से 90s में ही इसको कैपिटल सिटी बनाया गया था, आई एम नॉट टू श्योर, बट यह सबसे यंग कैपिटल है. एंड रशिया से इनको मुक्ति मिले इस कजाकिस्तान एरिया को, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है. सो काफ़ी रशियन इन्फ्लुएंस है हर चीज़ों में, इवन इन आर्किटेक्चर एंड मॉन्यूमेंट्स, लैंडमार्क्स, इन सारी चीज़ों में. सो अभी हम वही करने वाले हैं, हम बाहर निकलेंगे, एरिया को एक्सप्लोर करेंगे कि शाम को हम कहाँ कहाँ जाके शूट कर सकते हैं एंड वील बाय सम स्टफ फॉर आवर अपार्टमेंट. सो लेट्स गो क्विकली. सो हम बाहर निकले हैं, आप देख सकते हैं सनलाइट काफ़ी हार्श है. सो अभी इस माहौल में फ़ोटोग्राफी करने का कोई पॉइंट नहीं है. बेटर यह है कि दिन भर अपार्टमेंट में वेस्ट करने से अच्छा ऐसे टाइम पे बाहर निकलें लोकेशन स्काउटिंग करने के लिए. और जिन लोकेशंस को आप अच्छी लाइटिंग में मे बी अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग में शूट करना चाहते हैं, उनकी उधर जाके उनके स्पॉट्स को एक बार देख लें, ताकि शाम को आप ब्लैंक ना हो जाए जगह ढूंढने में कि कैमरा कहाँ माउंट करना है. सो अभी हम वही कर रहे हैं. कजाकिस्तानी क्यों? इसके 3 रीज़न है. नंबर 1, अस्ताना इज़ नोन फॉर इट्स आर्किटेक्चर, इसलिए वी विल बी डूइंग अ बिट ऑफ आर्किटेक्चर फोटोग्राफी हियर. देन वी विल ट्रैवल टू अल्माटी. अल्माटी में भी हम 2-4 दिन हैं,
अलमाटी इज नोन मोर फॉर इट्स कल्चर, इट्स डाइवर्सिटी. तो अलमाटी में हम उस तरीके की ट्रैवल फोटोग्राफी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. मैं भी फर्स्ट टाइम जाऊंगा, आई एम नॉट टू श्योर. और जहां तक दूसरे पॉइंट का सवाल है, दूसरा पॉइंट इसलिए यहां पे एक बहुत बड़ी ट्रैवल एग्जीबिशन हो रही है जिसको पाटा बोला जाता है, PATA, फुल फॉर्म आप गूगल कर सकते हैं. और बीइंग अ ट्रैवल फोटोग्राफर, मेरे लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है टू विजिट दिस काइंड ऑफ यूनिक ट्रैवल ट्रेड फेयर्स, क्योंकि एक तो आप अच्छे से नेटवर्किंग कर सकते हैं विद ट्रैवल कंपनीज, दूसरा यू बीइंग अ ट्रैवल फोटोग्राफर, यहाँ पे बड़े बड़े ट्रैवल बोर्ड्स आते हैं, ट्रैवल कंपनीज आती हैं जो अपनी फिल्म्स, अपने फोटोग्राफ्स, अपनी लोकेशन, अपने डेस्टिनेशन पिच करते हैं, दिखाते हैं. तो उससे ये पता लग सकता है कि आपका काम और आपका जो लेवल ऑफ वर्क है वो कहाँ स्टैंड करता है और क्या कुछ आपको सीखने की ज़रूरत है जो वर्ल्ड में अदर ट्रैवल फोटोग्राफर्स और फिल्म मेकर्स इन ब्रांड्स के लिए क्रिएट कर रहे हैं. तो वो यहाँ पे देखने को काफ़ी कुछ मिलता है. ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने कहा, नेटवर्किंग में भी हेल्प होता है. आरजी हमें उधर चलना चाहिए, नहीं उस सड़क से वी विल गो फ्रॉम मॉल में तो ना. अच्छा हम मॉल में जा रहे हैं अभी. अच्छा वी नीड टू बाय सम ग्रॉसरीज अपार्टमेंट के लिए, पहले हम मॉल में जा रहे हैं टू शॉप. सो कहाँ थे हम? नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस. सो ये बीइंग अ ट्रैवल फोटोग्राफर एंड फिल्म मेकर, ये इस तरीके के जो शोज़ होते हैं वो आपको नेटवर्किंग करने का भरपूर मौका देते हैं. और ऐसा नहीं है ऐसे शोज़ में इंडियन ब्रांड्स, इंडियन कंपनीज नहीं आती हैं, काफ़ी सारी आती हैं. काफ़ी सारे स्टेट टूरिज्म बोर्ड्स और बाकी ट्रैवल कंपनीज पार्टिसिपेट करती हैं इंडिया से भी. तो मैं वो ट्रैवल ट्रेड फेयर भी अटेंड करूँगा. और थर्ड रीज़न है, आई वॉज थिंकिंग टू डू ऑफ बीट लोकेशन इन टर्म्स ऑफ फोटो टूर. सो कजाकिस्तान मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट कर रहा था. काफ़ी लोग आइसलैंड करते हैं, मसाई मारा करते हैं, दे आर डन टू डेथ आई बिलीव. कजाकिस्तान थोड़ा सा ऑफ बीट है, सो आई थॉट वाई नॉट जाके देखा जाए, एक रेकी भी हो जाएगी कि एक्चुअल में फ़ोटो टूर करने लायक एरिया है भी कि नहीं. सो तीसरा रीज़न ये है यहाँ पे आने का. सो गाइज हमारी शॉपिंग हो गई है एज यू कैन सी. और अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं, जाके लंच करेंगे, एक छोटी सी नैप लेंगे एंड शाम को फिर बाहर निकलते हैं. बट आज का पूरा दिन मैंने मॉर्निंग से इवनिंग तक सिर्फ रेकी के लिए रखा है, बिकॉज आई एम हेयर फॉर अनदर आई बिलीव 3 डेज. और जिस जगह पे हम रह रहे हैं, मेनली जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं शूट करने लायक, वो इसी पैरामीटर के अंदर हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पे, बहुत दूर नहीं है. सो एक एडवांटेज है यहाँ पे. सो आज का पूरा दिन रेकी के लिए रखा है. एंड अभी आप देख सकते हैं सनलाइट काफ़ी हार्श है. और मैंने कुछ पॉइंट्स, फेमस लैंडमार्क्स जितने भी यहाँ पे हैं वहाँ पे एक तरीके से ब्लॉक कर लिए हैं, देख लिए हैं, ब्लॉक कर लिया है. एंड जब हम इवनिंग में जाएंगे तो होपफुली यू विल कम आउट विद सम नाइस इमेजेस. तो शाम को बात करते हैं फिर. अभी कुछ खाना वाना पकाया जाए, खाया जाए, थोड़ा सा सोया जाए, क्योंकि कल की जो जर्नी थी वो काफ़ी हेक्टिक थी और नींद अभी भी पेंडिंग है. 11:30 बजे हम दिल्ली से निकले थे और ऑलमोस्ट 7:30-8 बजे हम अस्ताना पहुँचे हैं. अस्ताना की कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, सो वी हैव टू फ्लाई टू अलमाटी फर्स्ट, फिर अलमाटी से वी हैव टू कैच अ फ्लाइट फॉर अस्ताना. सो काफ़ी थकान हो गई है. आज का पूरा दिन सिर्फ रेकी. हाँ अस्ताना का डायरेक्ट फ्लाइट है बट इट्स वीकली फ्लाइट, नॉट डेली फ्लाइट. अच्छा डायरेक्ट फ्लाइट है. हाँ एयर अस्ताना. हाँ एयर अस्ताना. ओके सो एज पर आर्ची इज़ फ्रॉम ट्रैवल इंडस्ट्री, तो आर्ची को ज़्यादा पता है कि अस्ताना का एक डायरेक्ट फ्लाइट है बट वो रोज़ नहीं फ्लाई करता है. तो आप अगर आ रहे हैं तो आप चेक कर लीजिएगा. तो अभी हम जाएंगे, खाना वाना खाएंगे, थोड़ी सी नाप लेंगे, शाम को फिर निकलते हैं, देखते हैं व्हाट अस्ताना हैज टू ऑफर. बस सो फाइनली
शाम होने वाली है, आई थिंक मुझे बाहर निकलना चाहिए, और जो भी आफ्टरनून में मैंने रखी करी है लोकेशंस की, एटलीस्ट मैं सारी लोकेशंस तो अभी नहीं कर पाऊंगा, बट कुछ जो भी प्रोमिनेंट लोकेशंस मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए, आई थिंक मुझे अब निकलना चाहिए अपने कैमरे के साथ एंड डू अ बिट ऑफ फोटोग्राफी। कोशिश करूँगा कि मैं रात तक सूरज ढलने तक रुकूँ, बिकॉज मैंने सुना है अस्थाना लुक्स वेरी ब्यूटिफुल व्हेन द लाइट्स आर ऑन, स्पेशली एट नाइट। सो आई लव टू डू सम ब्लू आर फोटोग्राफी और सम नाइट फोटोग्राफी। देखते हैं कैसे जाता है, आई एम नॉट टू श्योर। सोचने को तो कुछ भी सोचा जा सकता है, बट लेट्स सी, लेट्स मूव आउट, देखते हैं। सो हम लोग हैं, ये जो लोकेशन है आप देख सकते हैं, काफ़ी गार्डन है, इट्स अ वॉकवे बेसिकली, और ये वॉकवे कहलाता है नूरजुल बुलेवार्ड। बेसिकली ये शहर के बीचों बीच है, यू नो, शाम को बैठने के लिए, चिट चैट करने के लिए, घूमने के लिए, मॉर्निंग जॉगर्स के लिए ये बुलेवार्ड बना है। बेसिकली ये स्ट्रेच करता है, पीछे शायद आपको गोप्रो के वाइड एंगल में नहीं लगे इसलिए मैं एक क्लोजअप शॉट दे रहा हूँ जो मैंने अपने होटल की विंडो से शूट किया था इस मॉन्यूमेंट का, जिसको बोलते हैं पैलेस ऑफ पीस। तो वो वहाँ पीछे है, उधर उधर से स्ट्रेच होता है पैलेस ऑफ पीस के बीच में से जाता हुआ ये पूरा बुलेवार्ड, ये वॉकवे, और जाता है प्रेसिडेंट पैलेस की तरफ, जो कि ये टीवी टावर जो आपको दिख रहा है इसके एग्जैक्टली पीछे है। तो ये इस टावर को बोलते हैं, इफ़ आई एम प्रनाउंसिंग इट राइट, बैतरिक टावर। सो बेसिकली कजाकिस्तान को जब इंडिपेंडेंस मिली तो 1997 में इस टावर को बनाया गया था, जस्ट एज अ सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड पीस। और इसके ऊपर से इफ़ वी कैन मैनेज, आई एम नॉट टू श्योर ऊपर जाया जा सकता है कि नहीं, बट इंटरनेट में मैंने काफ़ी फोटोग्राफ्स देखी हैं जो कि होपफुली इधर से ली हुई हैं सनसेट की, क्योंकि सनसेट एग्जैक्टली मेरे पीछे हो रहा है और पूरी सिटी का व्यू मिलता है वहाँ से। सो राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज़ वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन, लेट्स सी इफ़ वी आर अलाउड और बाई पेइंग सम फीस और टिकट, बाइंग सम टिकट, अगर हम ऊपर तक जा सके और वहाँ से हम शहर की बढ़िया एक सनसेट पिक्चर ले सके। So let's try for that. Let's move. So, जैसे कि दिन में मैंने आपको बताया, आज का पूरा दिन आफ्टरनून से लेके, इनफैक्ट मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक हमने रेकी के लिए रखा है, और अभी मैंने एक शॉट लिया है बिकॉज डायगनल लाइट इस टावर को हिट कर रही थी सन की, जो कि सन अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं सेट होने वाला है, तो उसकी लाइट बिल्कुल डायरेक्टली हिट कर रही थी टावर को। सो एक शॉट मैंने लिया जो नॉर्मली मैं इंटरनेट पर इस टावर का देखता हुआ आ रहा हूँ, वेरी क्लीशे शॉट जो प्रॉब्ली हर आने वाला टूरिस्ट यहाँ पर लेता होगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप कोई प्रोमिनेंट मॉन्यूमेंट या लैंडमार्क पे पहुँचे जो कि बहुत फेमस है टूरिस्ट के बीच में, तो पहले ही वो शॉट को निपटा दीजिए जो नॉर्मली सारे टूरिस्ट लेते हैं, ताकि आपको कोई गीले शिकवा ना रहे कि मैं वो वाला शॉट लेना भूल गया जो सब लेते हैं। उसके बाद जस्ट एक्सप्लोर द एरिया कि और क्या क्या एंगल्स आप बना सकते हैं, और वही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। हालाँकि थोड़ी देर में ही सन सेट हो जाएगा, आई विल ट्राई कि स्टार के ऊपर हम जा सकें, लेट्स सी, आई एम नॉट टू श्योर, बट अभी पता करते हैं जा सकते हैं कि नहीं। सो बिट ऑफ बैड लक, क्योंकि आज क्लीनिंग डे है इस मॉन्यूमेंट का, इस स्टार का, तो हम ऊपर नहीं जा सकते। मैंने पता किया, सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक के टावर पे आप ऊपर जा सकते हैं, एंड देर आर नो चार्जेस एट ऑल, सो यू कैन जस्ट, अंदर लिफ्ट लगी है, आप लिफ्ट में बैठिए एंड यू कैन गो राइट ऑफ द टॉप। एक अच्छी बात जो मुझे यहाँ पे लगी अस्थाना में, हालांकि वेदर मुझे लग रहा था काफ़ी ठंड होगी, क्योंकि जब मैंने गूगल पे वेदर देखा तो रात का टेम्परेचर 5 डिग्री दिखा रहा था और दिन का 13, सो उस हिसाब से मैंने पैकिंग करी हुई थी, बट यहाँ पे जब मैं आया हूँ इट्स वेरी प्लेजेंट, वेरी नाइस। मेरे ख्याल से 22-23 डिग्री टेम्परेचर है, हल्की हल्की हवा चल रही है, ना पसीना आ रहा है ना थकान महसूस हो रही है, सो इट्स वेरी गुड। दूसरा, आप देख सकते हैं टूरिस्ट काफ़ी कम है, अगर हमारे कंट्री में ऐसा वेदर हो तो उस जगह टूरिस्ट ही टूरिस्ट होंगे, बट यहाँ पे टूरिस्ट काफ़ी कम है,
एंड आर्ची क्या करें, टावर तो बंद है। कल नेक्स्ट नेक्स्ट अटेम्प्ट नेक्स्ट अटेम्प्ट करेंगे हम फिर से कल। सो लेट्स सी, अभी देखते हैं और क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। आई विल गेट बैक टू यू। सो गाइज, जैसे कि मैंने बताया कि आज स्टार का क्लीनिंग डे है। अनफॉर्चुनेटली जब हम मॉर्निंग में आए थे तो उन्होंने वो बोर्ड नहीं लगा के रखा था और लिफ्ट्स ऑन थी, तो आई थॉट ऊपर तक जा सकते हैं। मैंने मॉन्यूमेंट का जो टार था उसका एक चक्कर लगाया, स्पॉट्स देखे कहाँ कहाँ से मैं फोटोग्राफ्स प्रॉबेबली बना सकता हूँ मैं। बट अभी जब हम इवनिंग में आए तब उन्होंने बोर्ड लगा रखा था कि टुडे इज़ द क्लीनिंग डे एंड नोबडी इज़ अलाउड। बट एनी विच वेज आई एम नॉट अपसेट अबाउट इट बिकॉज हमारे पास 3 और दिन है और ये जो टावर है इट्स नॉट टू फार फ्रॉम आवर अपार्टमेंट। और आप जैसे कि देख सकते हैं अगर इस तरीके की लाइट रोज रहने वाली है सो बड़ा मज़ा आने वाला है फोटोग्राफी करने में। एंड मैंने अभी इस टावर के कुछ शॉट्स लिए। आप जैसे कि देख सकते हैं कि पूरा सरफेस जो है बिल्कुल फ्लैट है, इधर कुछ इंटरेस्टिंग फोरग्राउंड नहीं है बनाने के लिए। बट हाँ, जब ये प्लेटफॉर्म पूरा एंड होता है सीमेंट का या ब्रिक्स का जिसका भी ये बना हुआ है, आप देखेंगे ये छोटे छोटे फूल लगे हुए हैं, गेंदे के फूल हैं। सो मैंने कोशिश करी ये इसको अपना फोरग्राउंड में रखने की और एक कॉर्नर में सन को रखने की, बिकॉज सनसेट हो रहा है, डायगनल है, तो F16 मेरा अपर्चर था ताकि सन बर्स्ट नज़र आए, स्टार बर्स्ट नज़र आए, वो जो स्ट्रीक ऑफ लाइट निकलती है ना लाइट में से जब आप F16 F11 काइंड ऑफ अपर्चर रखते हैं वो नज़र आए। और फिर मैंने टावर को फ्रेम किया। सो आई एम वेरी हैप्पी विद द शॉट। मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत ही ज़बरदस्त शॉट है, बट या जब आपके पास इस तरीके के एरिया में आपको फोरग्राउंड ढूंढना होता है तो डोंट जस्ट लुक आउट फॉर बिगर फोरग्राउंड्स। ये छोटे छोटे फूल पत्ती जो सराउंडिंग एरियाज में हैं, जैसे कि ये पेड़ लगे हैं, आप इनकी लीव्स को फोरग्राउंड रख के ये पूरे टावर को फ्रेम कर सकते हैं। सो फाइंड आउट समथिंग इंटरेस्टिंग इन द फोरग्राउंड ताकि आपके एक शॉट में डेप्थ नज़र आए। और अगर इस तरीके की गोल्डन लाइट हो तो सोने पे सुहागा। सो ट्राई दैट इन योर नेक्स्ट शूट वाइल फोटोग्राफिंग एनी मॉन्यूमेंट वेर एवर यू ट्रैवल। सो बेटेरिक टावर जो है उसकी हमने थोड़ी बहुत अभी फोटोग्राफी करी है क्योंकि हम 3-4 दिन और हैं यहाँ पे। सो विल कम बैक अगेन। अभी हम जा रहे हैं प्रेजिडेंशियल पैलेस की तरफ जो कि एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है अस्थाना का। सो वहाँ पे जाते हैं। सन अभी भी है, आप देख सकते हैं पीछे थोड़ी बहुत गोल्डन लाइट बची है। हाँ, ये चीज़ मैंने ज़रूर यहाँ नोटिस करी है कि जो गोल्डन आ रहा है वो काफ़ी देर तक लास्ट करता है बिकॉज ऑफ दी ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ कजाकिस्तान। सो इसका फ़ायदा फोटोग्राफर्स को मिल सकता है। तो अगर आप फोटोग्राफी के लिए आएँ तो अगर आप 4-4:30 बजे भी अपना फोटोग्राफी सेशन ऑन करेंगे तो आराम से 7-7:30 बजे तक यू कैन कैरी ऑन विद सम रियली नाइस फोटोग्राफ्स इन नाइस लाइटिंग सिचुएशन। अभी 7 बज रहा है सो आप देख सकते हैं कितना उजाला है अभी भी। सो आई एम हेडिंग टूवर्ड्स प्रेजिडेंशियल पैलेस, वहाँ पे देखते हैं हमें क्या मिलता है एंड आई विल अपडेट यू सून। सो एज वी हेड टूवर्ड्स दैट प्रेजिडेंशियल पैलेस मैं आपको दिखा दूँ मेरे पीछे का ट्रैफिक। सो ऐसा नहीं है इंडिया में ट्रैफिक है बस, और भी जगह ट्रैफिक होता है। बट ये जो ब्रिज आप मेरे पीछे देख रहे हैं इसको मैंने ब्लॉक कर लिया है, आज तो नहीं प्रॉबेबली कल रात में या गोल्डन आवर के दौरान आई टेक का वो शॉट्स होते हैं जिसमें लॉन्ग एक्सपोजर लाइट ट्रेल्स ट्रैफिक का होता है, यहाँ पे वो शॉट बहुत ज़बरदस्त निकल के आएगा। दूसरा, आई डोंट नीड अ बिगर ट्राइपॉड बिकॉज यहाँ पे प्लेटफॉर्म भी अच्छा है टू पुट आपका गोरिल्ला पॉड या छोटा पिक्सी जो ट्राइपॉड आता है उसके लिए। सो वाइड एंगल पे आई बिलीव काफ़ी अच्छा निकल के आएगा इस ब्रिज से। सो आप देख सकते हैं लाइट ऑलमोस्ट सनसेट हो चुका है और जो भी लास्ट बिट ऑफ लाइट पैलेस पे पड़ रही थी मैंने ग्रैब करने की कोशिश करी। अगेन चैलेंज वही है फोरग्राउंड ढूंढना, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली शॉट लेते हैं आप देख सकते हैं जो सीधा शॉट है जिसमें कोई इंटरेस्टिंग फोरग्राउंड नहीं है, शॉट कितना फ्लैट नज़र आ रहा है। हालांकि गोल्डन लाइट की वजह से थोड़ी बहुत डेप्थ उसमें नज़र आ रही है, बट अगर आपको अपने शॉट में डेप्थ दिखानी है, थोड़ा 3D लुक दिखाना है, बिकॉज फोटोग्राफी इज़ अ 2-डायमेंशनल मीडियम, उसमें अगर आपको 3D फील देना है तो आपको फोरग्राउंड मिडग्राउंड और बैकग्राउंड में कुछ कुछ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स रखने पड़ेंगे।
वही मैंने किया, ये जो आपको रेलिंग्स दिखाई दे रही है, ये जो वॉल दिखाई दे रही है, इसको मैंने एज अ लीडिंग लाइन यूज़ किया है, लीडिंग यू टूवर्ड्स द मेन सब्जेक्ट दैट इज़ द पैलेस। सो मैंने एक दो शॉट्स वैसे लिए हैं कि जो ये रेलिंग है वो एज अ लीडिंग लाइन ट्रीट हो और शॉट में डेप्थ नज़र आए। तो आज के लिए इतना ही, लाइट ऑलमोस्ट जा चुकी है और हम लोग भी यहाँ से अब जा रहे हैं। हमें वो दूर टावर के पीछे जाना है, वहाँ हमारा अपार्टमेंट है, और क्योंकि हम इसी वेसिनिटी में रह रहे हैं अगले 3 दिनों तक, तो मैं ये नहीं बोलूँगा आज बहुत बेहतरीन शॉट्स मिले, ओके ओके शॉट्स मिले। यही फ़ायदा होता है एक ही जगह पे कुछ दिन बिताने का, आपको उस जगह को वेरियस लाइटिंग कंडीशंस में देखने का मौका मिलता है और चूज़ करने का मौका मिलता है कि आप कब शूट करना चाहते हैं। सो आई एंड दिस वीडियो नाउ, आई होप आपने इंजॉय किया होगा। ये Day 1 था कजाकिस्तान का, अस्थाना में। अभी 3 दिन और है अस्थाना में, उसके बाद वील फ्लाई टू अलमाटी, 2 दिन अलमाटी में। आई होप जो लाइटिंग कंडीशन मुझे मिल रही है यहाँ पे, आई होप आगे भी वैसी मिले ताकि अच्छी अच्छी फोटोग्राफ्स निकलें। और मैं आपको छोड़े जाता हूँ कुछ फ़ोटोज़ के साथ, कुछ पिक्चर्स के साथ। एक दो मोबाइल पिक्चर्स भी हैं जो मैंने अपने आईफोन से लिए हैं, खासकर पैनोरोमा। आई होप यू विल इन्जॉय दोज फोटोज़। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय फॉर नाउ। Thank you.